माननीय कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। वह बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों को नमन करता हूं और बहन कुमारी मायावती जी से प्रेरणा लेता हूं। आज इस गांव में उपस्थित आप आदर सम्मान के योग्य बुजुर्गों एवं मेरे मोचाए हैं, और हम जब दिल्ली में बैठते हैं, दिल्ली में जब रहते हैं, जब उत्तर प्रदेश के अंदर किसी समाज के ऊपर दबंग लोग हैं, उनके द्वारा हमारे समाज पर जो हमला किया जाता है, उत्पीड़न किया जाता है, शोषण किया जाता है, उस शोषण जो शोषण उत्तर प्रदेश के हमारे समाज के लोगों के पर होता है, सत्ता हमारे हाथ में हो तो ऐसे जैसे हमारे महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, हमारे परिवारों को जलाया जाता है, हमारी संपत्ति को लूटा जाता है, हमारे रोजगार को लूटा जाता है, हमारी हत्या की जाती है, तो ऐसे काम ये सत्ताधारी जो लोग होते हैं इनके हाथों में होता है। कि जिस समाज का दर्द वो समझती है, उस समाज से आप लोग भी हैं। तो वो जो लोग खन्ना सेठ लोग बैठे हुए हैं, सवर्ण लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों ने कभी दर्द उत्पीड़न नहीं सहा, इसलिए वो आप लोगों का दर्द उत्पीड़न नहीं सहते हैं और उनको पता नहीं है कि दर्द होता कैसा है। तो बहन कुमारी मायावती जी उस समाज से हैं जिस समाज से आप हैं, इसलिए बहन जी जानती हैं कि दर्द और पीड़न कहते किसे हैं। तो साथियों, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए विधि जो आप लोग जानते हैं, तो चैनल वाले जो आए हैं, मनु जंतानी जी इनका अपना चैनल है जिसका नाम है समता आवाज, जो हमारे समाज का जो दर्द जो पीड़ा जो उत्पीड़न होता है उसको दिखाने का काम करती है, उसको न्याय दिलाने का काम करती है। तो सामने आप देख रहे हैं मनु जंतानी जी हैं, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं आप। और साथ में हमारे साथ गांव से, कनावनी गांव से हमारे साथ आए हैं मास्टर जी मतलावली मास्टर प्रदीप जी आए हैं हमारे साथ, और डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर साहब सतीश कुमार जी हमारे साथ आए हैं। इन सभी के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं। साथियों, अगर कहीं बहुजन समाज पार्टी शामली विधानसभा में अपना परचम लहराती है तो उसका फायदा, उसका लाभ आप ही लोगों को होगा, हम लोगों को नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ शामली विधानसभा को भी आप बहुजन समाज पार्टी खाते में भेजने का काम करें, बहन जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में जो हमारे साथ गांव गांव जाकर हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, जो हबीबपुर से हैं, माननीय मोहन जी, वो आए। शामली विधानसभा के आंगी गांव के सम्मानित बुजुर्ग लोगों, आप सभी से एक ही अपील है कि आप बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद इस्लाम जो है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है, उन लोगों को, मोहम्मद इस्लाम जी को सब समाज का वोट देकर और उन्हें शामली विधानसभा से जिताने का काम करें। और हमारे सामने जो हमारे साथी बैठे हैं, नौजवान साथी भी बैठे हैं, अगर कोई अपनी बात रखना चाहता हो, किसी को कुछ। हेलो, देखो जी, ज्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं है बोलने की, इस पर भी नॉलेज वाला आदमी काम करे। हाँ। मेरी तो हाथ जोड़ के प्रार्थना ये है, इसमें सभी भाई है, हिंदू भी है और भाई मुसलमान भी है, धीमर भी है, सबको ही है, सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि दिल्ली विधानसभा पर सभी वोट देकर और अपने प्रत्याशी को कामयाब बनाएं। धन्यवाद आएंगे बीच। तो मैं वही आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने कहा था जिस समाज ये नारा दिया, और नारा देने के बाद जब उत्तर प्रदेश के अंदर जब हमारी सरकार बनी 2007 के अंदर, तो मुस्लिम समाज के साथ भी अत्याचार और पीड़न की जो पूजनीय बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर को एवं माननीय साहब काशीराम को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, पिता तुल्य बुजुर्गों सरकार है
उनके मुखिया श्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, 1,000 का नोट और 500 का, साथियों काला धन लाना चाहते थे। ये नोटबंदी नहीं, गरीब किसान मजदूरों के लिए पेटबंदी है, ये हमारी पेटबंदी की है उन लोगों ने, हमारा अस्तित्व खत्म करने के लिए ये काम किया गया। ये मौका चुके तो ये मौका फिर दोबारा नहीं आने वाला। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय भीम जय भारत। के बहना तेरे सम्मान में पलके बिछा कर छोड़ेंगे, 2017 में तुझे सीएम, 2017 में तुझे सीएम, और सुन नरेंद्र मोदी तुझे फिर से 2019 में चाय बिछवाकर और बहन जी को 2019 में पीएम बनाकर छोड़ेंगे, सीएम बनाकर छोड़ेंगे। तो साथियों इसी कड़ी में हम आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे बीच में सतीश कुमार जी हैं, डॉक्टर सतीश कुमार जी वो भी हैं और अपनी बात रखें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पर लगभग सभी मजहब के लोग आए हुए हैं, हमारे नौजवान साथी बुजुर्गों, आपने मास्टर प्रदीप कुमार जी की बात बड़े गौर से सुनी होगी। हमारा जो मिशन है ये कोई नया मिशन नहीं है, इसके पुरोधा आप जानते ही हैं, हर एक मजहब में, वो चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, इसके पुरमान है। आज भारतवर्ष में केंद्रीय सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार वो इसी फंडे पर आधारित है। जब 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी आप लोगों के बीच में अपने चेहरे को प्रकट किया था, तब उन्होंने लगभग 100 वायदे किए थे, वो हिंदुओं के लिए भी थे, वो मुसलमानों के लिए भी थे, मगर आप देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया कोई वादा आज तक कोई पूरा हुआ है? उनका पहला दिया, आप नया रास्ता चुनना चाहते हैं, नया रास्ता बनाना चाहते हैं, तो अपने विचार मजबूत करने होंगे। आप किसी भी क्षेत्र में जाओगे, यदि आप बिना विचार के कहीं जाते हैं, न तो आप सुन पाओगे और न ही आप कह पाओगे। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आज वो वक्त है, आप याद करो उन्हें जिन्होंने आपको यहां बैठने का, बोलने का, पढ़ने का, लिखने का सलीका दिया है। यदि समाज के अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर न होते तो आज हमारी हालत ये न होती। उन्होंने केवल दलितों के लिए नहीं, किसी जाति विशेष के लिए नहीं, उसने तो उन गरीब दलित कुचले लोगों के लिए संविधान के अंदर भी रास्ता बनाया है। मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग अगर पढ़ नहीं सकते तो उनके विचारों को, जो साल के अंतराल में नरेंद्र मोदी जी को विदेश से कोई एक दिन ऐसा नहीं मिला कि अपना गोदलिया गांव में कभी एक छोटी सी मीटिंग कर ले। उधर उन लोगों को मील चलाने का वायदा दिया था, मगर वहां पर कोई नया मील नहीं चलाया गया। तो ये जो व्यवस्था आज जो पनपी है, ये जो व्यवस्था है जिनके शासन को आपने पहले भी देख लिया है, आप इससे, ये जो वर्तमान में सरकार चली हुई है समाजवादी पार्टी सरकार, इसमें आप देख चुके हैं कि मुस्लिमों के ऊपर कितना अत्याचार किया गया है। और जब ये अत्याचार हो रहा था उस समय उस गांव में मौजूद थे, हमने 8 दिन तक खाना नहीं खाया। अब कुछ लोग हमारे साथी भी थे उसमें, हमने उनसे पूछा कि तुम ये अत्याचार क्यों कर रहे हो, कह डॉक्टर साहब नहीं आपको नहीं पता है। तो मेरे भाइयों, कभी किसी महापुरुष ने ऐसा किसको ज्ञान दिया कि एक पहचानिए, मैं आपके बच्चे को मारकर 1,00,000 रुपए दे दूं, ये आपकी सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा आप पैसे ना दो, आप मकान ना दो, आप भोजन ना दो, मगर कम से कम हमें चैन से सो लेने दो। मगर इस वर्तमान सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया। इससे पहले गुजरात के अंदर दंगे की आशंका हुई,
वहां भी हिंदू मुस्लिम दंगे की आशंका हुई। उस समय बहन जी मुख्यमंत्री थी, तो बहन जी ने 2 घंटे के अंदर उस मुस्लिम दंगे को नहीं भड़कने दिया और उसको काबू कर लिया। तो मेरे इस बात को समझ लीजिए कि यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, यदि भारतवर्ष में भारतीय सरकार के अंदर बहन जी प्रधानमंत्री से आपका पीछा छुटवाएगा। इसी के साथ मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपने मत का बहन जी के पक्ष में वो करे, बहन जी के पक्ष में अपना मतदान करे। इसी के साथ ही जय भीम जय भारत। धन्यवाद साहब। साथियों, जिस तरह के अभी डॉक्टर साहब ने बताया, आप लोगों को विस्तार से समझाया कि मानवता विचारधारा, मानवतावादी विचारधारा और अमानवतावादी विचारधारा में अंतर क्या है। जिस तरह से मुजफ्फरनगर कांड हुआ, मेरठ कांड हुआ, गुजरात कांड हुआ, इन चीजों से हमें सबक लेना चाहिए, क्योंकि सत्ता, सत्ता पर मजबूत होने के बाद, सत्ता पर काबिज होने के बाद, जब जब वो सत्ता पर काबिज हुए, सत्ता पर मजबूत रहे, तब तब उन लोगों ने ऐसे ऐसे अत्याचार किए। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि बच्चों को मरवा दिया, बच्चों को कटवा दिया, परिवार को कटवा दिया, फिर पैसा दे दिया। जो लोग मरवा रहे हैं, जो लोग कटवा रहे हैं, फिर पैसा भी दे रहे। और जिस तरह हमारी सरकार रही बहुजन समाज पार्टी की, तो उसमें एक भी दंगा नहीं हुआ। तो उसी तरह से, जिस तरह से अल्लाह ने मोहम्मद पैगंबर साहब को भेजा इस धरती पे कि आप जाइए मानवतावादी विचारधारा का प्रचार कीजिए, उसी तरह से भगवान बुद्ध ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भेजा कि आप भी जाइए और मानवता का प्रचार कीजिए। जिस तरह संत रविदास ने अपने शब्दों में कहा कि ऐसा चाहो राज में जहां सभी को मिले अन्न, छोटे बड़े सब समभव से रविदास रहे प्रसन्न, कहा था ना। तो मानवतावादी विचारधारा को वो फॉलो करते हैं, मानते हैं, इसीलिए उन लोगों ने ऐसी बात कही। तो इस देश में अमन चैन चाहने वाले लोग आप लोगों से आपकी सरकार बनाना चाहते हैं, आप लोगों से झूठे वादे नहीं करना चाहते, तो आप लोगों को समझना होगा कि आपकी सुरक्षा, आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा किस सरकार में संभव है। तो आप लोग अपना जो कीमती वोट है वो आपको कहां देना है वो आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी कड़ी में, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ जो गाजियाबाद से चल गया है मनोज दत्तानी जी, जो आप अभी कवर भी कर रहे हैं, चैनल के मालिक हैं, इनका चैनल है समता आवाज चैनल है, तो वो भी हमारे साथ आए हैं, सहयोग कर रहे हैं। तो मैं उनको बुलाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग जोरदार तालियां बजाएं, उनका स्वागत करें, धन्यवाद करें। मनोज दत्तानी जी, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी को नमन करते हुए, गरीबों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को नमन करते हुए, साथियों सबसे पहली बात तो ये कि आपके गांव में अभी नवंबर दिसंबर में शादी का सीजन गया है, कितनी लड़कियों की शादी हुई और कितनी लड़कियों की शादी टूटी पैसे के बिना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक लड़की की शादी 500 करोड़ में होती है और एक मेरी बहन की, छोटी बहन की शादी इसलिए टूट जाती है कि उसके बाप को बैंक से 2.5 लाख रुपए नहीं मिलते। किस सोच के आदमी है आप, कब बदलेंगे इस सोच को? उखाड़ फेंकी ऐसी सरकार को जो आप लोगों का गला घोटने में लगी है। एक शेर याद आता है, एक शेर याद आता है कि कैसा नमूना चुन लिया यारो, वतन की बात करनी थी वो मन की बात करता है। रोज शाम को टीवी पर मन की बात होती है मोदी जी की, कभी वतन की बात नहीं करते। मेरे गरीब को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, यूरिया का रोना रो रखा है। जो मेरे किसान भाई है सबको पता है यूरिया का रोना रो रखा है। यूरिया मिल रही है, यूरिया के अलावा क्या खेत में डालने के लिए बीज मिल रहा है? खेत में डालने के लिए आप लोगों को पानी मिल रहा है? आप लोगों के गांव में ट्यूबवेल चलने के लिए लगातार बिजली आ रही है? क्या ऐसा बहन जी के शासन काल में हुआ आप बताएं?
तो कब तक आप सहेंगे इस चीज को? मेरे भाई अभी एक मौका मिला है, आप अपने वोट का प्रयोग करें। कहल जी ने मोहम्मद इस्लाम साहब को नेतृत्व देकर आपके बीच में भेजा है, अपना अमूल्य वोट कहल जी के हाथी के निशान पर देकर उनको विजयी बनाए, और अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लड़ने में अपनी अहम भूमिका निभाए। इसी के साथ जय भीम, नमो उदय, जय मूल निवासी संत पुनर्जन्म की जय। क्या अच्छे दिन तो आप लोगों ने कहा आने वाले, फिर कहा अच्छे दिन तो आपने कहा आने वाले। हमारे बीच में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनिल गौतम जी, आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। अनिल गौतम जी, करुणा के सागर तथा भगवान बुद्ध एवं पत्थरों में जान धन पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं संतों में संत संत शिरोमणि रविदास जी और बहुजन समाज पार्टी के नायक माननीय साहब काशी राम जी के चरणों में सर्वस्व अर्पित करते हुए मानते हुए आज हमारे बीच में रात दिन एक करके आपको जगाने वाले मेरे साथी सरदार अनिल सागर जी, कुलदीप जी, मनोज अंतानी जी और हमें गांव गांव का रास्ता दिखाने वाले जो रात दिन हमारे साथ संकल्प कर रहे हैं, सरदा के समान योग मोहनलाल जी, डॉक्टर सतीश जी, मास्टर प्रदीप जी और यहां विराजमान मेरे पिता समान अगर मिलने वाला है तो आपको वहां से मिलेगा जो आपके इतिहास को समझाने की बात कर रहा हो, क्योंकि आज भारत देश के अंदर दलित भाइयों पर, मुस्लिम भाइयों पर दबा करके जुल्म हो रहे हैं, दबा करके जुल्म हो रहे हैं। दलित की परिभाषा क्या है? जो दबे कुचले मजदूर, मजलूम, मजदूर लोग जिनको हम कहते हैं उनको दलित का नाम दिया गया। आज ये अत्याचार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को अपने इतिहास, आज भी हमारे लोग शिक्षित नहीं है। एक दोपहर का समय का था, एक दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो 5 साल के बच्चे थे उनको प्यास लगी और मेरे एक मटका रखा हुआ था उसमें पानी पीने के लिए चले गए। जैसा कि मैंने बताया कि हमें पानी पीने की आजादी नहीं थी तो उनको उस व्यवस्था के तहत पानी नहीं पीने दिया, उस व्यवस्था के तहत पानी नहीं पीने दिया। उन्होंने चपरासी से कहा, मास्टर से कहा, प्रिंसिपल से कहा, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी और जो दूसरे बच्चे थे उनकी पिटाई करने का और कार्य किया और वो